हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैंने लास्ट वीक आपको एक वीडियो बना करके दिया था कि राजस्थान की अपकमिंग टॉप 5 वैकेंसीज को लेकर, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग वीडियो था ना, वो संगणक को लेकर के ही था। यानी बहुत से बच्चे इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे इसको लेकर के बात की तो मुझे पता था कि इसको लेकर के मुद्दा बन सकता है कि अभी तो कुछ दिनों पहले ही तो, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जाकर के ये वैकेंसी फाइनल इसका जो है ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो अभी सर ये वैकेंसी कहाँ आने वाली, ऐसा लग रहा था। जैसे मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद में आपने देखा होगा कि ट्वीट हो रहा था, जो कि बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही वो एक ट्वीट किया गया था कि रियलिटी में संगणक की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद में आपका ट्रस्ट और बड़ा होगा। लेकिन मैंने उससे पहले ही आपको ये चीज क्लियर कर दी थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। अगर एक नया स्टूडेंट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें जरूरत होगी, एक पुराना स्टूडेंट जिसने पहले ही वैकेंसी दी थी उसने जो गलतियां की उसको कैसे दूर कर करके इस वैकेंसी के लिए आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सर ये वैकेंसी क्या रियलिटी में आएगी, अगर आएगी तो कब तक आएगी, कितनी पोस्ट होंगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो सारी चीज़ों को गौर से जरूर देखिएगा और फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा जिससे आपको ऐसे वीडियोज भी मिल सके और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल के भी सारी चीज़ें आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम कि संगणक वैकेंसी को लेकर के जो भी आपके सवाल है ना, यहां बात करता हूं कि सर आरएसएमएसएसबी संगणक यानी कि 2023 के अंदर आपका ये वैकेंसी आने वाली है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सर कितनी पोस्ट आएगी। देखिए इसकी पोस्ट है, मैंने पहले भी बताया कि 450 समथिंग इसकी पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी जो नोटिफिकेशन आएगा। जो पहले वैकेंसी थी उसमें तो 300 के अंडर में ही वैकेंसी थी, यानी कि 250 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, लेकिन इस बार आपको 450 समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, इसकी कट ऑफ को लेकर के भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि पहले क्या कट ऑफ गई थी, आगे को लेकर क्या टारगेट लेकर के आगे चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन ग्रेजुएट इसके लिए सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक तो आप कॉमर्स से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप लोग सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप और भी किसी कैटेगरी से हैं और आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ सब्जेक्ट है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप हैं, ठीक है, आपके मैथ सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके इकोनॉमिक्स का जो है वो अगर आपके सब्जेक्ट में रहा है, यानी कि आर्ट्स में अगर आपने एमए किया और इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके साथ में आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब आपके पास जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का कोई पीजीडीसी हो चाहिए या कोपा चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आरएससीआईटी है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास आरएससीआईटी भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट था, ठीक है, ऑप्शनल के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल सी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको नीड होगी उसके बाद में। और हाँ, अगर कुछ चेंजेज भी होता है बाय चांस तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद में और चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद में सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सिलेबस के अंदर इसका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके अंदर आपका जो राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके का जो रोल प्ले करता है वो होता है 30 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका करंट फिर भी आ जाता है, राजस्थान जी के भी आता है, ये सारी चीजें हैं वो आपका 30 मार्क्स का रोल प्ले करता है। इसमें सबसे ज्यादा जैसे इंडियन ज्योग्राफी आती है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सबसे मेनली होता है। इसके बाद में आपका स्टैटिक्स, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और प्लस में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ये जो टोटल होता है वो 70 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 70 मार्क्स, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आरएसएमएसएसबी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ये एग्जाम है, और आपका वही 3 आवर का जो है वो आपको टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा, टोटल कितने 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले होते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो आपको स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, राजस्थान जी के, इसका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, आपको जल्दी उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स थे, आपने जहाँ जहाँ से पहले जो जो कोर्स ले लेकर के पढ़ाई की थी, आप एक बार भी यहाँ कमेंट करके बता दीजिए कि जहाँ से भी जो भी चीज़ें आपने ली, जो आपसे एक
तरीके से एक पूरा प्रॉमिस करे से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, वहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। तो आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके कैसे पढ़ना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप ऐप को और चैनल को दोनों जगह पर आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर दूसरी बात है, सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगर वो आपकी डिटेल वाइज सिलेबस जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब मेन जो पॉइंट आता है सर, इसका नोटिफिकेशन डेट कब आएगी, ठीक है, यानी इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको जो टॉप 5 वैकेंसीज का वीडियो बना करके बताया था लाडलो, तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको फेब, ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि इस बजट के पेश होने के बाद जनवरी के अंदर ही जहाँ तक ये बजट पेश होने को है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये मान लीजिए कि फेब या मार्च, ठीक है, यानी कि समझ लीजिएगा कि आपके नोटिफिकेशन है फेब एंड तक या फिर आपको मार्च तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि फेब टू मार्च के बीच में आपको संगणक के ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले नहीं आ सकता, इससे पहले भी नोटिफिकेशन जैन में देखने को मिल सकता है, लेकिन जैन में आपको बहुत कम चांस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फेब एंड तक या मार्च तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है फेब में कभी भी। तो आप इस चीज़ में मत रहिएगा कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, सिर्फ हवा में बात की जा रही। एक और सबसे बड़ा सवाल होता है सर, ये सीटी के अंतर्गत आएगी क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल आपका है। तो मैं आपको बता दूँ क्लियरली, ये सीटी के अंतर्गत नहीं आएगी, ये विदाउट सीटी होगा, मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप सीटी के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते, उसके अलावा भी कुछ वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। और भी इसको लेकर के अगर आप बेस्ट बुक के लिए बात करना चाहेंगे या फिर इसके वेतन को लेकर के जो भी चीजें बात करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। इन शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताई है, ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो कॉमर्स के स्टूडेंट अगर स्पेशली हैं तो आप इस चीज को टारगेट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि जिस चीज का आपको वेट था सर हम इस चीज के जी जान लगा देंगे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द ही एक नई उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ आपसे जल्द जुड़ूंगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPSC, SSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।